Hello students, a sweet good morning to all of you. I am your class teacher, Mrs. Devi Kumari. Now, today I will teach you about the correct usage of this is and that is by fill in the blanks and tick the correct way. Now, let's start it. Dear children, where is an elephant? एलिफेंट कहाँ है? एलिफेंट इज नियर अस. हाथी, एलिफेंट जो है हमारे पास है. पास के वस्तुओं के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? किस चीज़ का करते हैं? दिस का. टी एच आई एस, दिस. दिस एंड एलिफेंट, यह हाथी है. नेक्स्ट है, वेयर इज बर्ड? वेयर इज बर्ड. बर्ड इज फार फ्रॉम अस. फार मीन्स दूर. पक्षी हमसे दूर है. दूर के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? दैट. टी एच ए टी, दैट. दैट अ बर्ड, वह पक्षी है. वेयर इज फ्रॉग? फ्रॉग इज नियर अस. फ्रॉग इज नियर अस. फ्रॉग जो है, फ्रॉग मीन्स मेढक, हमारे पास है. तो फ्रॉग के लिए हम दिस का यूज करेंगे. टी एच आई एस, दिस. दिस अ फ्रॉग, यह मेढक. वेयर इज टेबल? टेबल इज फार फ्रॉम अस. सो वी यूज फॉर टेबल दैट. टी एच ए टी, दैट. दैट इज अ टेबल, वह टेबल है. नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट यूज ऑफ दिस इज एंड दैट इज एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. जो सही है दिस और दैट का यूज, उसमें सही का टिक लगाना है. जो रॉन्ग है उसमें क्रॉस करना है. दिस इज अ मंकी. मंकी हमारे पास है तो करेक्ट सेंटेंस है. दिस इज अ फार्मर. फार्मर हमारे पास है तो इसके लिए हम, ये करेक्ट सेंटेंस है. नज़दीक के लिए हम दिस का यूज करते हैं तो यह सेंटेंस सही है. दिस इज अ फार्मर. दैट इज अ डॉक्टर, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि डॉक्टर हमसे दूर नहीं है, पास है. इसीलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है. थैंक यू.